सो आज मैं आपको एमवीसी फ्रेमवर्क का बेसिक्स बता देता हूँ। एचटी डॉक्स में गया मैं और एक फोल्डर बना दिया एफ के। ठीक है, इस एफ के फोल्डर में नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया। और कल की जो क्लासेस में है, मैंने आपको क्लासेस पे कैसे वर्क करना है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास को पेरेंट क्लास से कैसे एक्सटेंड करना है, वो बेसिक्स में बता चुका हूँ। तो आज मैं फ्रेमवर्क बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोजेक्ट। एक्सटी डॉक्स में एफ के नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फाइल बनानी है, इंडेक्स डॉट पी एच पी। ये मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल बनाई, जिसका आउटपुट देख सकते हैं। इंडेक्स डॉट पी एच पी, यहां पर मैं एक क्लास डिफाइन कर देता हूं ऐप नाम से। ठीक है, और इस क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने लिख दिया हाय, और मैं आउटपुट देखूंगा। एफ के फोल्डर रहा, देखिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो सबसे पहला काम है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डॉलर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ऑफ ऐप, सेव किया मैंने और आउटपुट देखा, ये देखो हाई आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास को यहाँ से कट करूंगा और इसको एक्स्ट्रा किसी फाइल के अंदर भेज दूंगा। सो ये यहाँ से मैंने कट किया है, और यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक कोर नाम का फोल्डर बनाया। ठीक है, और मैंने फाइल में गया न्यू, यहाँ पर वो पूरा कोड जो था वो पीएचपी ब्लॉक के अंदर पेस्ट करूँगा। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब रूल ये कहता है कि जो क्लास का नेम होता है वो केवल फाइल का नेम होता है, इसलिए यहाँ पर कोर में जाके मैंने ऐप डॉट पीएचपी मैंने दिया। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि वो फाइल मैंने एक्स्ट्रा भेज दिया, इसलिए मैं इसको क्या करवा लूंगा, रिक्वायर करवा लूंगा। सो रिक्वायर या रिक्वायरमेंट्स कुछ भी कर सकते हो, और इसको एज ए स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूँ। सो एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, कोर फोल्डर के अंदर ऐप डॉट पीएचपी, सेव किया और आउटपुट देखा। देखो अभी भी आ रहा है, इसका मतलब वो फाइल सक्सेसफुली लिंक हुई। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है इस फाइल में, तो रिक्वायर उसको तुरंत टर्मिनेट कर देगा और आगे नहीं बढ़ने देगा, ये देखो। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये फाइल काम कर रही है। ठीक है, अब जो है बाय डिफॉल्ट यूआरएल में आप जो भी लिखते हो, पीएचपी उसको एज अ फोल्डर की तरह ट्रीट करता है बाय डिफॉल्ट। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने एक अनिल नाम का फोल्डर बनाया, और अगर मैं यहाँ पर स्लैश अनिल लिखूँ तो ये उस डायरेक्टरी के अंदर एंटर कर गया। मतलब इसको हमेशा वो क्या ट्रीट करता है, एज अ फोल्डर ट्रीट करता है। एमवीसी फ्रेमवर्क पे जब हम काम करते हैं तो ये जो मैकेनिज्म है बाय डिफॉल्ट, ये जो फीचर है पीएचपी का, ये मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मुझे एज अ पैरामीटर ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, एज अ फोल्डर ट्रीट नहीं करना है। उसके लिए आपको जो हमारा वेब सर्वर होता है अपाचे, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। सो अपाचे की इंस्ट्रक्शन को फाइल, हम फाइल जो होती है वो हमारी एच टी एक्सेस फाइल होती है। तो वो एच टी एक्सेस फाइल कहाँ रखना है, उसका एक्सटेंशन क्या है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एच टी एक्सेस फाइल को आप हमेशा अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पर रखते हो। ठीक है, उसका एक्सटेंशन हमेशा ऑथ में जाना है,
एक्सटेंशन ही उसका डॉट से चालू होता है, सो एक्सटेंशन ही उसका डॉट एच टी एक्सेस है। तो फाइल का नेम ही क्या होगा, अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नेम ही आपका एच टी एक्सेस होगा। अब उसके बाद आपको यहां करना है रीराइट इंजिन, रीराइट इंजिन ऑन लिखना है, उसके बाद यहां पर रीराइट रूल एवरीथिंग दैट मैचेस टू, इसका मतलब ये वेब सर्वर के लिए क्लियर है कि यूआरएल पर यदि मैं कुछ भी लिखता हूं, इसका मतलब कैरेट का मतलब होता है एवरीथिंग दैट मैच टू, और ये डॉलर हमारा वेरिएबल है बेसिकली। सो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका ये बेसिकली वेब सर्वर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि यूआरएल पर जो भी मैं लिखता हूं उसको ट्रांसफर, उसको रीडायरेक्ट कर देना है कहां पर, इंडेक्स डॉट पीएचपी पर आपको भेजना है, मगर किसी न किसी वेरिएबल के माध्यम से। तो वेरिएबल को क्वेरी स्ट्रिंग में भेजते हैं और क्वेरी स्ट्रिंग हमेशा क्वेश्चन मार्क से चालू होती है, और यहां पर आपको सबसे पहला पहला ही आपको क्या देना पड़ता है, नेम देना पड़ता है। पेज क्वेश्चन मार्क से पहले हमेशा पेज का नेम आता है, ये पेज का नेम हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मुझे नेम देना पड़ता है। नेम आप जो चाहें वो दे सकते हो। सो यहां पर मैंने नेम दे दिया यू आर एल या फिर एक्स वाई जेड, जो आप देना चाहो, ठीक है। सो मैंने एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यहां पर दिया, और यहां पर मुझे वैल्यू देनी है। अब वैल्यू क्या होगी, जो भी आप यहां पर टाइप करोगे, जैसे मैंने लिखा स्लैश अनिल, सो ये अनिल जो है बेसिकली मेरे लिए क्या है, वो वेरिएबल है, और इसका ये फर्स्ट वेरिएबल है, इसलिए यहां पर मैं डॉलर वन ट्रीट करूं कि जो भी मेरा यूआरएल है वो डॉलर वन के अंदर, जो भी मैं टाइप करूंगा अपने वेबसाइट के एड्रेस के बाद में, ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस बनेगा आगे चल के www.flipkart.com, ये इतना जो है मेरा वेबसाइट का एड्रेस बनेगा, मगर उसके बाद जो भी मैं लिखूंगा वो मेरा वेरिएबल बनेगा, मतलब पैरामीटर्स बनेंगे, मेरे यूआरएल की स्ट्रिंग बनेगी, उस स्ट्रिंग को हमेशा डॉलर वन से ट्रीट करते हैं। लास्ट में आपको एक स्पेस देना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और आपको कैपिटल में क्यू एस ए कॉमा एल आपको लिखना है। भले ही आपका इसका मतलब नहीं पता हो, मगर आपको ये सिंटेक्स आपको जस्ट कॉपी करना है और पेस्ट करना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इन दो इंस्ट्रक्शन से अब देखिएगा क्या होता है। मैंने स्लैश अनिल लिखा और इंटर किया, तो देखिए क्या ये अनिल फोल्डर के अंदर जंप किया उसने, अब नहीं किया। अब उसने एक्चुअल में रिक्वेस्ट को कहां ट्रांसफर कर दिया, इंडेक्स फाइल पर, जो भी रिक्वेस्ट थी उसको इंडेक्स डॉट पी एच पी पर ट्रांसफर कर दिया। और देखो इंडेक्स डॉट पी एच पी पर मेरा ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होके हाई आ गया, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुल काम हमने कर दिया। अब हमें पता है कि हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहां बना रखा है, तो सारा मेरा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो रहा है, और अब कंस्ट्रक्टर से मैं किसी मेथड को कॉल करवा सकता हूं, करवा सकते हैं। तो यहां पर मैंने पब्लिक फंक्शन, और यहां पर मैंने एक फंक्शन बना दिया पार्स यूआरएल नाम से, किसी भी नाम से आप बनाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हाई मैसेज मैंने कट किया और यहां पेस्ट कर दिया, और मैंने कुछ लिख दिया ऐसा, हाई फ्रॉम पार्स यूआरएल, और कंस्ट्रक्टर के अंदर से किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं डेफिनेटली। या क्लास के अंदर किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो डॉलर दिस से रेफर करना पड़ेगा। सो मैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही रहा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर घुसते ही मैंने डॉलर दिस, और यहां पर मैंने फंक्शन का नाम दे दिया पार्स यूआर। तो अब देखिए मेरे हाई मैसेज की बजाय क्या आएगा, हाई फ्रॉम पार्स यूआर। अब यहां पर मैंने इस लाइन को कमेंट किया, और यहां पर मैं चेक करूंगा, चेक फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे कि यहां स्लैश अनिल लिखा तो ये मेरी रिक्वेस्ट आई, सो मुझे चेक करने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूं, प्री वार्डन करवा लूं। सो प्री का स्टार्ट, प्री का क्लोज, और जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है वो हमेशा एक वेरिएबल में स्टोर होती है, और उस वेरिएबल का नाम है डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। डॉलर अंडरस्कोर
रिक्वेस्ट, मैंने सेव किया और आउटपुट देखा। ये देखिए कि मैंने यहाँ पर एफ के तक मैं गया, सेव किया, देखो ये इंडेक्स डॉट पी एच पी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्लैश में अनिल लिखूंगा, इंटर करूंगा, तो देखो एक्स वाई जेड में क्या आ गया, अनिल आ गया। और यहां पर ये एक एसोसिएटिव अरे रिटर्न हो रही है, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट एक्चुअल में है क्या, एसोसिएटिव अरे। और एसोसिएटिव अरे में मैंने बता रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर की होता है इज इक्वल टू एरो और राइट हैंड साइड पर वैल्यू होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नंबर दिख जाए तो वो एसोसिएटिव अरे नहीं कहलाएगी बल्कि न्यूमेरिक अरे या फिर इंडेक्स अरे कहलाएगी। ठीक है, सो अब हमें ऐसा करना है कि यहां पर यदि MVC फ्रेमवर्क में एक फॉर्मूला चलता है, कंट्रोलर मेथड और उसके बाद पैरामीटर्स, ये आपको जानना जरूरी है। मतलब यहां अपनी वेबसाइट के बाद में www.flipkart.com के बाद स्लैश अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो हमेशा पहला जो स्लैश के बाद जो होगा हमेशा वो कंट्रोलर कहलाएगा, दूसरा उसकी मेथड कहलाएगी, तीसरा उसका पैरामीटर कहलाएगा। कंट्रोलर मेथड पैरामीटर, पहला चीज हमेशा कंट्रोलर, दूसरा चीज हमेशा मेथड और तीसरा चीज हमेशा पैरामीटर होगा। इंटर किया, अब ये देखिए मेरा आ गया कंट्रोलर मेथड और पैरामीटर आया। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं कंट्रोलर को अलग कर लूं, मेथड को अलग कर लूं और पैरामीटर को अलग कर लूं। अभी ये स्ट्रिंग मेरी एक ही स्ट्रिंग आ रही है और सब एक साथ में है, तो मुझे स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। सो बेसिकली पीएचपी के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि स्ट्रिंग को तोड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले मुझे इस स्ट्रिंग तक जाना है तो मुझे इस की को रेफर करना पड़ेगा। सो डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट पे जाके मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और की का नाम दे दिया यहाँ पर मैंने, मेरा की का नाम क्या है एक्स वाई जेड, सेव किया और आउटपुट देगा। अब देखो डायरेक्टली मैंने क्या एक्सेस कर लिया, पैरामीटर, मतलब जो यूजर टाइप करेगा वो आपने यहाँ एक्सेस कर लिया। अब आपको क्या काम करना है, ब्रेक करना है। So, यहां पर अगला काम मैंने क्या लिख दिया कि आपको ब्रेक करना है, कंट्रोलर कंट्रोलर अलग करना है, मेथड अलग करना है और पैरामीटर अलग करना है, ये अलग अलग करने हैं, ब्रेक करने हैं। सो पीएचपी के अंदर एक बना बनाया फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड फंक्शन क्या करता है, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला पैरामीटर को हम कहते हैं डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब वो कैरेक्टर जिसके थ्रू आपको कैरेक्टर को अपनी स्ट्रिंग को तोड़ना है, ब्रेक करना है। सो इसमें देखिए कंट्रोलर स्लैश मेथड स्लैश पैरामीटर में मुझे वो कैरेक्टर का नाम बताओ जिससे इस स्ट्रिंग को मैं तोड़ सकता हूं। ये स्लैश हमारा, ये जो स्लैश आ रहा है ये हमारे लिए ये डेलीमीटर बनेगा। ये जो स्लैश आ रहा है ये हमारे लिए डेलीमीटर बनेगा। सो यहां पर फर्स्ट पैरामीटर ही मैं इस स्लैश को देऊंगा। सो कहां से तोड़ना है और किसको तोड़ना है, एक्सप्लोड फंक्शन को ये दो ही बातें बतानी है कि कहां से तोड़ना है और किसको तोड़ना है। तो किसको तोड़ना है, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्सप्लोड फंक्शन हमेशा एक अरे रिटर्न करता है। तो अरे को कैच करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, ए नाम का वेरिएबल ले लिया, तो एक्सप्लोड फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा मेरे पास यहां पर आ जाएगा। मैं अगेन इस वैल्यू को नीचे जो है वार्डम करवा सकता हूं, किसको, ए को। तो मैंने कॉपी किया, मैंने कॉपी किया और यहां पर मैंने क्या पास कर दिया, ए पास कर। अब देखिए ये एक्सप्लोड करने से पहले और ये एक्सप्लोड करने के बाद, आप देखिए कंट्रोलर अलग हो गया और वो किस इंडेक्स पर आ गया, मेथड अलग हो गया वो किस इंडेक्स पर आ गया, और पैरामीटर अलग हो गया और वो इंडेक्स पे आ गया टू पर। ठीक है, सो इस तरीके से सक्सेसफुली मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया। मगर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यदि मैं इस पैटर्न में लिख रहा हूं तो सही चलेगा, मगर गलती से भी लास्ट में मैंने एक स्लैश और लगा दिया तो अननेसेसरी एक खाली इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, सो मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये लास्ट ही लास्ट में राइट हैंड साइड पर कोई कैरेक्टर आ रहा है, अगर वो स्लैश आ रहा है तो मुझे उसको ट्रिम कर देना है, हटा देना है। ट्रिम का मतलब होता है काटना, मतलब उसको ट्रिम कर देना बेसिकली। सो राइट हैंड साइड पर यदि कोई स्लैश आ रहा है तो मुझे उसको ट्रिम करना है। सो पीएचपी के अंदर बिल्ट इन एक फंक्शन होता है जिसे हम आर
ट्रिम बोलते हैं, आर का मतलब होता है राइट और ट्रिम का मतलब होता है काटना, राइट साइड से ऐसे कैरेक्टर को काट दो जो हम स्पेसिफाई करेंगे। सो एक्सप्लोड करने से पहले मुझे ट्रिम करना पड़ेगा। सो यहां पर मैंने आर ट्रिम फंक्शन लिखा, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, तो आर ट्रिम फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर किसको स्ट्रिंग मतलब किसको काटना है, मतलब किस स्ट्रिंग में से काटना है और कौन से कैरेक्टर से काटना है। सो कौन सा कैरेक्टर, ये सेकंड पैरामीटर। हर फंक्शन में पैरामीटर का सीक्वेंस अलग अलग है, तो नोटपैड प्लस प्लस में जैसे ही फंक्शन आप टाइप करोगे ना वो हिंट बता देगा, उस हिंट को देखते हुए आपको पैरामीटर आगे पीछे नहीं करना है, जो जो सिंटेक्स दे रखा है उस हिसाब से काम करना है। जैसे एक्सप्लोड में आप देखेंगे कि ये पहला पैरामीटर डेलिमीटर है, मगर इसमें आर ट्रिम में सेकंड पैरामीटर डेलिमीटर वो ट्रिम कैरेक्टर आता है, तो ये आपको इसका सिंटेक्स रखना बहुत जरूरी है। तो ये आर ट्रिम कर दिया, अब मेरा कोड और ज्यादा सेफ हो गया है। ये देखें, अगर मैं स्लैश लगाऊं तो भी तीन ही इंडेक्स बन रहे हैं, और नहीं लगाऊं तो भी तीन इंडेक्स बन रहे, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये पार्स यूआरएल फंक्शन मुझे अच्छी तरीके से पता है, हर फंक्शन का काम होता है ऑपरेशन करने के बाद वैल्यू को रिटर्न करना, हर फंक्शन का यही काम होता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि फंक्शन के अंदर जाके आप इको करते हो, जनरली फंक्शन बने ही इसलिए होते हैं कि अपना काम करने के बाद वैल्यू को रिटर्न करवाने का ही उनका मेन मकसद होता है, मगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि फंक्शन के अंदर आप इको भी करवा लेते हो। सो यहां पर ये एक्सप्लोड मेरा हो गया, और इसके बाद ये वेरिएबल जो मैंने बना रखा है ये अननेसेसरी है, ये सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए बता रहा था इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, और इसको वेरिएबल में स्टोर न करते हुए डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। सो यहां से इस फंक्शन को यदि मैंने रिटर्न किया है तो यहां पर मुझे रिसीव करना पड़ेगा। सो यहां पर मैंने एक लोकल वेरिएबल में रिसीव कर लिया जिसका नाम मैंने दे दिया यूआरएल। अब देखिए, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वो लोकल कहलाता है, तो कंस्ट्रक्टर भी मेरा एक फंक्शन ही है और उसके अंदर एक मैंने वेरिएबल बना दिया, तो ये मेरा लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। सो मैंने एक लोकल वेरिएबल बना दिया यूआरएल नाम से, और इस यूआरएल वेरिएबल को मैं अगेन वार डंप करवा लूं यहीं पर कंस्ट्रक्टर में, करवा सकते हैं, डेफिनेटली करवा सकते हैं। तो जो आउटपुट मुझे यहाँ इस फंक्शन के अंदर मिल रहा था वो के वही मुझे अब यहाँ पे भी मिलने लग जाएगा, जो यहाँ देख रहा था। मैंने क्या किया, मैंने बस वैल्यू को रिटर्न करवा दिया, इस वेरिएबल में कैच किया और यहाँ करवा लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने यूआरएल ले लिया, सेव किया, आउटपुट देखा, अगेन वो के वही आउटपुट। अगर मैं इसको वार्डम को कमेंट कर दूं तो देखना ये सेकंड वाला आएगा ही नहीं, इसका मतलब सक्सेसफुली मेरी वेरिएबल मेरे कंस्ट्रक्टर तक पहुंच चुकी है। अब इनको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप किसी भी क्लास के अंदर, मैंने तीन मेंबर सिखा रखे हैं आपको, सो पहला है आपका प्रॉपर्टी, और ये जो दूसरा बना है ये आपका कहलाता है कंस्ट्रक्टर, और तीसरा जो मैंने बना के बताया था ये था आपका मेथड था। सो ये मेथड, सो पार्स यूआरएल क्या है, मेरा एक मेथड है, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया हो। अब हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं। सो कोई भी प्रॉपर्टी आप सेट करते हो तो जनरली उसको आप पब्लिक देते हो, आप प्राइवेट भी दे सकते हो, प्रोटेक्टेड भी दे सकते हो, मगर हमारा सारा काम पब्लिक से हो जाएगा इसलिए आपको स्कोप जो है हमेशा पब्लिक ही लगाना है। सो पब्लिक, फिर डॉलर और वेरिएबल नेम। सो वेरिएबल नेम, मुझे तीन वेरिएबल बनाने हैं, पहला कंट्रोलर है, और कंट्रोलर की एक वैल्यू कोई भी आप इनिशियलाइज कर दो, मान लीजिए होम कंट्रोलर। दूसरा जो मुझे बनाना है वो आप, दूसरा वेरिएबल आपको बनाना है क्या, मेथड, और मेथड आप जनरली किसी भी कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स नाम की मेथड होती है इसलिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे रहा हूं मैं, इंडेक्स। और तीसरा जो होता है मेरा पैरामीटर होता है, तो डॉलर पैरामीटर, इनिशियली पैरामीटर को हमेशा ब्लैंक रखा जाता है इसलिए यहां पर ये मैंने एक अरे डिफाइन कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है अरे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिख रहे हो इसका मतलब ब्लैंक अरे। सो ये पैराम जो है बेसिकली मेरा पैरामीटर है, और इनिशियली इस पैरामीटर को मैंने अरे बना दिया और खाली अरे से इसको स्टोर करवा दिया इनिशियली। अब यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको जो है अपने अपने जो यूजर ने लिखा है, जैसे यहां पर अपन ने लिखा है कंट्रोलर, सो
पीएचपी का काम है कंट्रोलर डॉट पीएचपी नाम की फाइल को ढूंढना और उसको अपने कोड में इंक्लूड करवाना, ये उसका काम है बेसिकली। सो क्या कंट्रोलर डॉट पीएचपी नाम की फाइल कहीं पे भी हमारे इस फोल्डर में पड़ी हुई है अभी तक? नहीं है। सो हमें बनाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन के अंदर गया, यहां पर एक मैंने कंट्रोलर नाम का एक फोल्डर बना दिया और भविष्य में जितने भी हमारे कंट्रोलर आएंगे वो सारे के सारे कंट्रोलर में कहां रखूंगा, यहां रखूंगा, इंटर किया मैंने। उसके बाद कंट्रोलर के अलावा हमारे पास मॉडल्स भी आते हैं। सो यहां मॉडल्स, यहां पर मैंने एक फोल्डर बना दिया कंट्रोलर्स और यहां पर एक फोल्डर मैंने बना दिया व्यूज। कोर के पास में मैंने तीन फोल्डर यहां पर बना दिए, कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यूज। अब कंट्रोलर फोल्डर के अंदर मुझे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहां पर मैंने एक फाइल बनाई, एक मैंने फाइल बनाई और इसको नाम दे दिया मैंने कंट्रोलर डॉट पीएचपी, ठीक है। ये फाइल यहां पर पड़ी हुई, अभी ये फाइल पूरी ब्लैंक है, खाली पड़ी हुई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ हम यहां जाके एक छोटा सा टेस्ट करेंगे कि ये फाइल मौजूद है कि नहीं, ठीक है। सो सबसे पहला टेस्ट हम करने जा रहे हैं चेक फॉर कंट्रोलर। हमें ये चेक करना है कि जिस कंट्रोलर के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है वो कंट्रोलर हमारा है कि नहीं है फाइल सिस्टम पर। यदि है तो उसको इंक्लूड करवाना, वो भी डायनेमिकली। जनरली क्या होता है पीएचपी डेवलपमेंट में, अगर आप एमवीसी फ्रेमवर्क फॉलो नहीं कर रहे हो तो सारा का सारा कोड एप्लीकेशन का लोड करना पड़ता है, ये विदाउट एमवीसी फ्रेमवर्क की स्ट्रेटेजीज होती है। यदि आप एमवीसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं तो आप जिस फाइल के लिए, जिस फाइल की जरूरत है बस आप उसी को इंक्लूड करवा रहे हो, ओवरऑल सिस्टम को मेमोरी में आप लोड नहीं करवा रहे हो। इसलिए एमवीसी फ्रेमवर्क बहुत फास्ट होते हैं, बहुत रिलायबल होते हैं। तो हमारा अभी यही काम हो रहा है कि चेक फॉर कंट्रोलर इफ एग्जिस्ट, कि हमें चेक करना है कि हमारा कंट्रोलर मौजूद है कि नहीं है। सो देखिए एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स नाम का एक मैंने फोल्डर बनाया और उसके अंदर कंट्रोलर डॉट पीएचपी फाइल है। सो यहां पर आप समझना, अगर यहां कंट्रोलर की जगह मैं लिख दूं लेट से नवीन स्लैश मेथड स्लैश पैरामीटर्स, तो नवीन बेसिकली क्या होगा, मेरे लिए कंट्रोलर होगा और वो कंट्रोलर मुझे कहां मिलना बहुत जरूरी है, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, जो कि अभी के केस में नवीन डॉट पीएचपी नाम की कोई भी फाइल नहीं है। सो हमें पीएचपी के माध्यम से कंडीशन चेक करनी पड़ेगी और कंडीशन हमेशा इफ के थ्रू चेक की जाती है। इफ तो दो पार्ट ले लेते, इफ या एल्स। यदि फाइल हुई तो मैं करूंगा यहां पर यस, और नहीं हुई तो मैं लिख दूंगा नो। अगर स्क्रीन पर यस आ गया मतलब फाइल मौजूद है, और नहीं आया, नो आया मतलब फाइल मौजूद नहीं है। तो यहां कंडीशन में ऐसा क्या देवे जिससे फाइल की उपस्थिति को चेक किया जा सके, फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं है। सो पीएचपी में ऐसे बहुत सारे बने बनाए फंक्शन है जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो। सो उस फंक्शन का नाम है फाइल अंडरस्कोर exists, ये एक फंक्शन है। फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट फंक्शन जो है, नाम से ही इसका काम समझ में आ रहा होगा कि फाइल एग्जिस्ट मतलब क्या फाइल एग्जिस्ट है, वो बुलियन में आपको जो है बेसिकली ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर देगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इफ के अंदर यदि ट्रू आता है तो हमेशा फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और एल्स आता है तो हमेशा सेकेंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। So, यहां पर फाइल एग्जिस्ट का हमेशा वैल्यू रिटर्न होती है ट्रू या फॉल्स में। सो यहां पर मैंने कंडीशन में पैरामीटर अब लिखूंगा। सो मुझे अपनी फाइल का एड्रेस देना है, तो फाइल का एड्रेस क्या होगा, एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर कहां जाना है, कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, और मुझे x.php फाइल के लिए ढूंढना है। एक्सटेंशन मुझे 100% पता है कि उसका डॉट पी एच पी रहेगा, मगर एक्स मुझे पता नहीं है और एक्स एक्चुअल में क्या है, डॉलर यू आर एल जीरो इंडेक्स। देखो आप यहां से ये नवीन आ गया ना, तो मुझे नवीन डॉट पी एच पी को ढूंढना है। ये नवीन को हटाया मैंने और मैंने क्या बोल दिया, कंट्रोलर। सो देखो कंट्रोलर डॉट पी एच पी। सो एक्स की जगह क्या लिखना है मुझे, कंट्रोलर, और मुझे पता है कि कंट्रोलर जो है मेरे किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, अरे के जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है।
और वो किसके अंदर है, यूआरएल के अंदर है। तो यहां पर एक्स को मैंने सिलेक्ट किया और ये सिंगल स्ट्रिंग को मैंने तोड़ दिया, दो डॉट लगा दिए और मैंने अपना वेरिएबल जोड़ दिया साथ में। यूआरएल का कौन सा इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, और फाइल एग्जिस्ट के अंदर मैंने पास कर दिया। अब देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? यस, इसका मतलब कंट्रोलर डॉट पीएचपी कहां पड़ी हुई है, कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर है। क्या देखते हैं, यदि मैंने नवीन स्लैश मेथड कर दिया तो क्या होता है, क्या बता रहा है? नो no. क्यों? क्योंकि नवीन डॉट पीएचपी फाइल है ही नहीं, इसलिए उसने क्या कर दिया, नो no. ठीक है। अब ये मेरा टेस्ट कंप्लीट है इसलिए नो वाला पार्ट में हटा रहा हूं, और ये यस वाले को भी मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। यदि कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहला काम ये करो कि जो डिफॉल्ट कंट्रोलर हमने सेट कर रखा है, तो हमेशा ध्यान देना कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक डिफॉल्ट कंट्रोलर भी होगा, उस डिफॉल्ट कंट्रोलर का नाम हमेशा होम डॉट पीएचपी होगा। होम डॉट पीएचपी मेरा डिफॉल्ट कंट्रोलर है, मतलब यहां पर यूआरएल पर चाहे मैं कुछ लिखूं या ना लिखूं, हमेशा कौन सी फाइल कॉल होगी, होम डॉट पीएचपी तो होगी ही होगी डिफॉल्ट, मतलब ये तो होगी ही होगी। और अगर आपने कुछ लिख दिया उसके बाद में, तो वो उसके कंडीशंस पे निर्भर करता है कि नवीन डॉट पीएचपी कंट्रोलर के अंदर है तो नवीन वाली पीएचपी फाइल को लोड करना है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट किसको लोड कर देना है, होम डॉट पीएचपी को लोड कर देना है। सो जो कि हमारा डिफॉल्ट कंट्रोलर है यहाँ पर, सो यहां पर मैंने ये सेट कर दिया कि ये जो डिफॉल्ट कंट्रोलर है इसकी वैल्यू मुझे सेट कर देनी है। सो डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू को ओवरराइट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे डॉलर दिस कंट्रोलर, ये देखो मैंने इसको एक्सेस कर रहा हूं, और उसको मुझे किससे सेट करना पड़ेगा, यूआरएल के जीरो इंडेक्स है, और मुझे अपनी अरे का ये जो पहला इंडेक्स है इसको हटा देना है लिस्ट में से। क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जो जो चीजें होती जा रही हैं उन इंडेक्स को मैं हटा दूंगा, अरे में से हटाना है मुझे, और बाकी के चीजों पे मुझे फोकस करना है। सो हटाने के लिए किसी भी अरे के मुझे अभी कौन सा इंडेक्स हटाना है, जीरो, क्योंकि नवीन मिल गया है, नवीन डॉट पीएचपी अवेलेबल है तो उसको मैं लोड करवा दूंगा, या फिर कंट्रोलर डॉट पीएचपी मिल गया है तो मैं उसको लोड करवा दूंगा, और इस अरे के आगे के पैरामीटर पे मुझे काम करना है। सो यदि मिल जाता है तो मुझे उस इंडेक्स को मुझे हटाना है, वो हटाने के लिए अनसेट होता है, और मुझे यूआरएल अरे के कौन से इंडेक्स को हटाना है, जीरो इंडेक्स पर। इसी को मैंने कॉपी किया और इस इफ के बाद में पेस्ट कर दिया, ताकि हटाने से पहले डॉलर यूआरएल की वैल्यू क्या थी और हटाने के बाद डॉलर यूआरएल की वैल्यू क्या है वो आपको यहां दिख जाए। ठीक है, सेव किया और आउटपुट देखा। देखो नवीन डॉट पीएचपी क्या कंट्रोलर फोल्डर के अंदर है, नहीं है, इसलिए वो इंडेक्स हटाना। अगर नवीन की जगह यहां पर मैं क्या लिख दूं, कंट्रोलर लिख दूं, कंट्रोलर, तो देखना वो पहला इंडेक्स हट गया है और डिफॉल्ट वैल्यू ये सेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, इस जो भी कंट्रोलर की मैं रिक्वायर कर रहा हूं उसके अंदर मेरा उस नाम का क्लास होना चाहिए। सो मैंने कंट्रोलर डॉट पीएचपी जैसा नाम है वो वैसा के वैसा ही इसी के अंदर क्लास होनी चाहिए। सो मैं किस नाम से बनाऊंगा क्लास इसके अंदर, और ये कंट्रोल हो गया, जो क्लास का नाम है वो के वही फाइल का नाम है, और ये हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो इसमें स्मॉल सी लिखा हुआ है, इसमें कैपिटल सी, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, कोड चल जाएगा आपका। ठीक है, सो कंट्रोलर हो गया। अब आपको इस कंट्रोलर का, अगर ये फाइल वो कंट्रोलर अगर अवेलेबल है तो उसको आपको रिक्वायर करना पड़ेगा, उसके कोड को आपको अपने कोड में लाना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि अभी कंट्रोलर डॉट पी एच पी के अंदर जो भी कोड पड़ा हुआ है आपके इस कोड के अंदर आया नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने सोर्स कोड में उसको रिक्वायर या इंक्लूड नहीं करवाओगे तब तक उसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या करवाने जा रहे हैं, रिक्वायर करवाने जा रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने रिक्वायर किया और रिक्वायर में मैंने यहाँ पर यही एड्रेस मैंने कॉपी किया कि एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर कंट्रोलर के अंदर अब डॉलर यू आर एल जीरो नहीं ले देना है बल्कि कंट्रोलर देना है। सो डॉलर दिस कंट्रोलर। अब थोड़ा यहां समझना, यहां पर मैंने डॉलर यू आर एल जीरो क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप देखिए इफ कंडीशन दी थी, यदि वो फाइल मिल गई तो बाय डिफॉल्ट मेरा कंट्रोलर मैंने क्या सेट करवा दिया उसके नाम से, और यदि वो फाइल अवेलेबल नहीं हुई, जैसे कि यहां पर मान लीजिए कि यहां पर मैंने ये नवीन लिखा, अब नवीन डॉट पी एच पी नाम का कोई कंट्रोलर इसके अंदर है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो किस वाली फाइल का कोड को रिक्वायर कर लेगा, होम डॉट पी एच पी को, क्योंकि यहां पर मैंने रिक्वायर का कोड लगा रखा है। सो एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर कंट्रोलर के अंदर होम डॉट पी एच पी, क्योंकि नवीन डॉट पी एच पी यहां पर फाइल फोल्डर में है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट होम डॉट पी एच पी को इंक्लूड करवा लेगा। उसके बाद मेरा ये क्लास आ तो गई, मगर ये क्लास में तब तक मैं काम नहीं कर सकता हूं जब तक इस क्लास का मैं क्या ना बना दूं, यहां पर ऑब्जेक्ट ना बना दे। सो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर एक बना देते हैं पब्लिक फंक्शन और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और यहां पर मैंने लिख दिया हाय फ्रॉम जो भी कंट्रोलर का नेम है, जैसे इस कंट्रोलर नेम को मैं थोड़ा सा रीनेम कर देता हूं, यहां पर इसको कंट्रोलर ना बोलते हुए मैं इसको बोल देता हूं नवीन डॉट पी एच पी, तो नवीन नाम का कंट्रोलर अवेलेबल है, ठीक है। और नौ सो नवीन डॉट पी एच पी, तो मेरे कंट्रोलर का नेम भी क्या होना चाहिए, नवीन नाम से मेरी क्लास मैंने बना ली, और जो क्लास का नेम होता है वो वही फाइल का नेम होना चाहिए। सो अब देखिए थोड़ा सा कि अगर मैंने यहां पर नवीन स्लैश मेथड स्लैश पैरामीटर लिखा, तो मुझे पहला पता, ये बात तो पता होनी चाहिए कि पहली चीज हमेशा कंट्रोलर होती है, वो कंट्रोलर एक फाइल होती है और उस फाइल के अंदर बेसिकली एक सिंपल सी क्लास होती है, ठीक है। और ये आपने इसको हिट किया, देखिए कि उसको रिक्वायर करने से पहले और रिक्वायर करने के बाद में मैंने जीरो इंडेक्स को उड़ा दिया और वो उसको बेसिकली मैंने यहां पर ये लो रिक्वायर करवा लिया। अब कोड आ तो गया आपके पास में, मगर वो कोड तब तक काम नहीं करेगा जब तक उस क्लास का आप क्या ना बना लो ऑब्जेक्ट। सो यहां पर अगला काम है मेरा ऑब्जेक्ट बनाना, जिस प्रकार से इंडेक्स डॉट पी एच पी में रिक्वायर करवाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी पड़ा, क्योंकि तब तक आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, आपने रिक्वायर करवा लिया मगर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो तब भी वो काम नहीं करेगी वो फाइल। सो ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। So, यहां पर ये हो गया कि मैंने रिक्वायर तो कर ली और यहां पर ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। सो क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप ये कर लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट को, अब चूंकि कंस्ट्रक्टर मेरा एक फंक्शन है, यदि यहां पर मैं अगर ऐसे लिख दूं डॉलर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ऑफ कौन सा कंट्रोलर, डॉलर दिस कंट्रोलर, थोड़ा समझना ऐसा, और ये डॉलर दिस और ये, क्योंकि डॉलर दिस के अंदर ही मेरी क्लास का नाम छुपा हुआ है और ये पैरेंथेसिस से मेरी ये ऑब्जेक्ट हो गया, मगर ये ऑब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा क्या होगा, लोकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर ओबीजे विल बी अ लोकल वेरिएबल बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, इसलिए इसको लोकल न रखते हुए इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दूंगा। सो इसलिए यहां पर डॉलर ओबीजे की जगह मैं डॉलर दिस कंट्रोलर, मतलब इसी के अंदर होम कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना भी लिया और इसके अंदर वापस से स्टोर कर भी दिया मैंने। अब यहां पे जाके ये मैं कट यहां पर किया, वापस से कॉपी किया, वापस से पेस्ट किया और डॉलर कंट्रोलर का मैं वार्डम कर लेता हूं, सेव किया और आउटपुट देखा, देखो ये नवीन नाम का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया और हाई फ्रॉम लिखा हुआ गया। अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि हाई फ्रॉम तो नवीन डॉट पी एच पी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये नवीन नाम का कंट्रोलर है जो कि कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है,
तो ये देखो हाई फ्रॉम नवीन आ गया, मगर एक बात तो तय हो गई कि यहां पर अगर मैं ये लिखूंगा क्या नवीन स्लैश मेथड स्लैश पैरामीटर लिखूंगा तो नवीन क्लास इंक्लूड भी हो जाएगी, उसका ऑब्जेक्ट भी बन गया और कंस्ट्रक्ट नवीन डॉट पीएचपी वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब उस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल भी हो गया मेरा। तो एमवीसी कितना फ्लेक्सिबल है। यदि यहां पर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया कंट्रोलर स्लैश मेथड स्लैश पैरामीटर, या मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल ए स्लैश मेथड स्लैश पैरामीटर, तो ए डॉट पी एच पी फाइल सिस्टम में कंट्रोलर फोल्डर में नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट किस वाली फाइल को वो इंक्लूड करवा लेगा, होम डॉट पी एच पी को, और उसका ऑब्जेक्ट भी बना लेगा। मगर अभी के केस में बताओ कि क्या होम डॉट पी एच पी में कुछ लिखा हुआ है, तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तुरंत एरर फेंक देगा। तो देखना ये एरर फेंक दिया, क्यों? क्योंकि होम नॉट फाउंड, अरे कहां से मिलेगी होम डॉट पी एच पी, तो खाली पड़ी। अब हमारा काम है कि एक एक क्लास बना लेते हैं और इसको मैंने दे दिया होम, सेव, और यहां मैंने पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट सेव किया, और यहां पर मैंने लिख दिया हाई फ्रॉम होम कंट्रोलर। ठीक है, अब देखना जो पहले जो एरर आ रही थी वो अब नहीं आएगी, आ गया हाई फ्रॉम होम कंट्रोलर। क्यों? क्योंकि यहां पर मान लीजिए मैंने ए लिखा, तो सीधी सी बात है कि ए डॉट पी एच पी कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर नहीं थी, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हुआ कि उस डिफॉल्ट कंट्रोलर को लोड कर दिया गया और उसका ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट को मैंने वार्डन करवा दिया। और ऑब्जेक्ट बनते ही ये देखो, ये ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसलिए होम के अंदर जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल होके यहां पर हमारा आ गया। इतना आपको क्लियर है? तो रूल नंबर फर्स्ट ही होता है चेक फॉर कंट्रोलर इफ एग्जिस्ट, और रूल नंबर सेकंड स्वाभाविक सा क्या होगा, चेक फॉर मेथड इफ एग्जिस्ट, चेक फॉर मेथड इफ एग्जिस्ट। और ये स्टेप सेकंड होता है कि यदि अगर कोई कंट्रोलर आपको यहां अवेलेबल नहीं है तो डिफॉल्ट होम डॉट पी एच पी जो कि ये कंट्रोलर है उसको आप इंक्लूड कर लो, रिक्वायर कर लो, उसका ऑब्जेक्ट बना लो, और उसके अंदर जाके पर्टिकुलर एक मेथड को ढूंढो जो कि यहां पर मैंने दे रखा है। जैसे ये दे दिया मैंने ए स्लैश बी स्लैश सी, अब ए आप हमेशा क्या याद रखोगे, कंट्रोलर, स्लैश बी हमेशा क्या होगा मेथड, और स्लैश सी आपका क्या हो गया पैरामीटर्स हो गया। सेव किया, अब होम डॉट पीएचपी के अंदर क्या कोई मेथड अभी तक डिफाइंड है कंस्ट्रक्टर को छोड़ के? नहीं है। सो यहां पर मैं अपनी एक मेथड बनाने जा रहा हूं पब्लिक फंक्शन, और सबसे पहली मेथड ही हमेशा किस नाम से होती है, इंडेक्स, ये इंडेक्स नाम की मेथड होती है। हमेशा किसी भी क्लास के अंदर इंडेक्स नाम की मेथड आपको रखनी चाहिए, और जरूरी भी नहीं है, नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट जनरल एक रूल है कि इंडेक्स नाम से आप रखो। अब यहां पर देखिए, अब मुझे आप बताइएगा कि अगर मैं ए स्लैश बी स्लैश सी करूं तो क्या होगा, ए कंट्रोलर के अंदर बी मेथड कॉल होगी, अब ए कंट्रोलर तो है ही नहीं, ए डॉट पी एच पी तो है ही नहीं, सो यहां पर मैं क्या कर दूं होम स्लैश बी। अब होम डॉट पी एच पी कंट्रोलर अवेलेबल है मगर बी डॉट पी एच पी अवेलेबल नहीं है, उसमें तो किस नाम की मेथड अवेलेबल है, तो वो इंडेक्स को कॉल करना चाहिए। यहां पर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर चेक फॉर मेथड इफ एग्जिस्ट, हमें ये चेक करना है पीएचपी के माध्यम से, हमें ये चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर मेथड है कि नहीं है। तो इफ अगेन एल्स, अगर मेथड हुई तो क्या लिखूंगा यस, और मेथड नहीं हुई तो क्या लिखूंगा नो। सेव किया, अब कंडीशन में क्या लिखे। जिस प्रकार से फाइल एग्जिस्ट नाम का बना बनाया फंक्शन होता है, उसी प्रकार से क्या मेथड एग्जिस्ट नाम का फंक्शन बना बनाया नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, फाइल एग्जिस्ट मेथड एग्जिस्ट, मेथड एग्जिस्ट में जनरली दो पैरामीटर पास किए जाते हैं, पहला तो किस ऑब्जेक्ट में चेक करना है और दूसरा कौन सी मेथड को चेक करना है।
कौन सी मेथड को चेक करना है, सेकंड पैरामीटर तो मेरा क्लियर है कि जो मेरे इंडेक्स पर आ रहा है उसको चेक करना है। सो यहां पर मैं डॉलर यू आर एल वन इंडेक्स, ये सेकंड तो फिक्स है मेरा, क्योंकि आप यहां से ये देख सकते हो, क्योंकि मैंने ये ट्रिम ये यहां पर जैसे ही मैंने किया उसका जो मेरा वन इंडेक्स होगा वही मेरा क्या होगा मेथड होगा। सो ये यहां पर अभी इसका और पैरामीटर लिख ले, तो वन इंडेक्स आपको पता ही है, और यहां पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कौन है डॉलर दिस कंट्रोलर, क्योंकि जिसको रिक्वायर किया उसी के अंदर तो चेक करना है। ये होम डॉट पी एच पी, ये होम डॉट पी एच पी का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बना लिया आपने डॉलर दिस, ये रहा मेरा वो ऑब्जेक्ट, तो सीधा सा ये मुझे यहां से कॉपी करना है और यहां पेस्ट करना, सेव किया और आउटपुट देखा, क्या बता दिया इसने, नो no. मतलब होम डॉट पी एच पी कंट्रोलर के अंदर बी नाम की मेथड नहीं है। यदि यहां पर मैं बी को हटा के अगर यहां इंडेक्स लिख दूं तो यस आ गया, तो होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स नाम की मेथड है, जो कि सही बात है। ये देखिए होम कंट्रोलर रहा और उसके अंदर इंडेक्स नाम की मेथड पड़ी हुई है। अब यहां पर मैं कितनी भी मेथड बना सकता हूं, यहां पर मैंने मेथड बना दी पब्लिक फंक्शन और वही नाम से बना दी जिस नाम से आप चाह रहे थे, किस नाम से बना दी बी। अब देखिएगा यस, अभी भी यस, और अगर मैं इसको बी कर दूं अभी भी यस, और इसको अगर मैं डी कर दूं तो नो, क्योंकि डी नाम की मेथड मेरी इस कंट्रोलर के अंदर नहीं है। क्या इतना आपको क्लियर हुआ? तो ये टेस्टिंग होने के बाद एल्स वाला ब्लॉक मुझे हटा देना है, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं कर रहा हूं। उसके बाद ये यस को भी मैंने हटाया। यदि कंट्रोलर अवेलेबल है तो जिस प्रकार से मैंने कंट्रोलर डिफॉल्ट कंट्रोलर को ओवरराइड कर दिया था, उसी प्रकार से डिफॉल्ट मेथड को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ओवरराइड करना पड़ेगा। सो डॉलर दिस मेथड इज इक्वल टू डॉलर यूआरएल और वन इंडेक्स, ठीक है, और मुझे उस वन इंडेक्स को आगे क्या करना है, खाली करना है, ताकि मैं आगे सिर्फ पैरामीटर पे फोकस कर पाऊं। सो ये अनसेट किया मैंने डॉलर यू आर एल और ये मैंने वन इंडेक्स दिया, और इसको इस यू आर एल को मैंने वापस से क्या कर दिया, नीचे जाके वायर डंप कर दिया, सेव किया और आउटपुट देखते हैं। ये देखो क्या डी नाम की मेथड है, नहीं है, तो और यहां पर अब देखना यस, होम कंट्रोलर के अंदर बी नाम की मेथड अवेलेबल है, तो सी मेरा क्या बन गया, पैरामीटर बन गया, मतलब लास्ट का अरे में जो कुछ भी बचेगा वो मेरे लिए पैरामीटर ही होगा हमेशा के लिए। सो ये मेरे पैरामीटर्स हो गए। अब ये मेरी स्टेप, ये भी मेरी स्टेप कंप्लीट हो गई है। तो पहली स्टेप होती है कंट्रोलर के लिए चेक करने के लिए, दूसरी स्टेप होती है मेथड के चेक करने के लिए, और तीसरी स्टेप सीधी सी बची हुई है कौन सी, पैरामीटर को चेक करने, चेक फॉर पैरामीटर। सो यहां पर पैरामीटर मुझे चेक करना है। सो ये मेरा डिफॉल्ट पैरामीटर मैंने लिया और इसमें लोड करवा दूंगा मैं। सो डॉलर दिस पैरामीटर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो भी इसमें बचा हुआ है मैं इसमें लोड करवा दूंगा। तो अरे एक अरे की वैल्यू को दूसरे अरे में ट्रांसफर करने के लिए, मतलब मेरे पास दो अरे पड़ी हुई है, इसमें दो इंडेक्स हैं 0 1 और ये खाली पड़ी हुई है, मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू को एग्जैक्ट मैं कहां कर दूं, ट्रांसफर खाली वाली में ट्रांसफर कर दूं। तो ट्रांसफर करने के लिए यहां अरे अंडरस्कोर वैल्यूज नाम का फंक्शन यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए, एक अरे से दूसरी अरे में कॉपी करने के लिए अरे वैल्यूज फंक्शन को कॉपी ये यूज किया जाता है। ये मैं यहां पर गया और यहां पर पेस्ट कर, क्योंकि लास्ट वाले अरे के अंदर जो कुछ भी बचेगा वो लास्ट के पैरामीटर बच जाएंगे मेरे को। तो यहां पर देखना कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और नीचे गया, अब मैं ये डॉलर दिस पैरामीटर को अगर वार्डम कर दूं तो मेरे वो वैल्यू लोड हुई नजर आ जाएगी,
ये देखो ये आ गया। सो ये वैल्यू कहां से आ रही है, डॉलर दिस पैरामीटर से। मतलब मैंने सक्सेसफुली लास्ट का जो कुछ भी बच रहा था, लास्ट का जो कुछ भी बच रहे थे वो पैरामीटर को मैंने इसके अंदर पास कर दिए ब्लैंक में। सो इसमें बेसिकली सिर्फ चार स्टेप होती है। पहली स्टेप कंट्रोलर को चेक करने के लिए, दूसरी स्टेप मेथड को चेक करने के लिए, तीसरी स्टेप पैरामीटर्स को चेक करने के लिए, और चौथी स्टेप सीधी सी बात है कि आपने फाइल, आपको फाइल मिल गई, आपको मेथड मिल गई, बस अब बचा क्या है, उसको कॉल करना। आप मेथड तक भी पहुंच गए हो, बस आप बचा ही क्या है, सिर्फ उसको कॉल करना और इन पैरामीटर को पास कर देना, उसमें डाल देना, उसमें पास कर देना। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट बच रहा है। सो अब चौथा स्टेप हमेशा सिर्फ होती है कॉलिंग, या कॉलिंग एंड पासिंग पासिंग दी पैरामीटर्स, पासिंग दी पैरामीटर्स। तो चौथा स्टेप, अब मुझे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर मेथड मेथड है, उस मेथड भी तक भी मैं पहुंच गया हूँ, पैरामीटर तक भी मैंने मैंने पैरामीटर भी गेट कर लिए हैं। उन पैरामीटर को बस उसमें कॉल करते हुए पास करना है, और कॉल करते हुए जब पास करते हैं उसको हम एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। आपको पता है कि कॉलिंग, किसी भी फंक्शन की कॉलिंग करते समय जो पैरामीटर पास किए जाते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट है। तो यहाँ पर किस प्रकार से मैं उनको कॉल कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी मेथड को कॉल करवाना है। सो यहाँ एक यहाँ पर एक फंक्शन होता है यूजर, तो एक फंक्शन होता है बेसिकली, बना बना एक फंक्शन होता है कॉल अंडरस्कोर यूजर फंक अरे नाम का एक फंक्शन होता है, कॉल यूजर फंक अरे, कॉल यूजर फंक्शन अरे। सो बेसिकली इस फंक्शन को मुझे यूज करना है। इसका पहला पैरामीटर हमेशा कॉल बैक होता है और दूसरा पैरामीटर हमेशा पैरामीटर्स होता है। सो क्या पैरामीटर पास करना है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, जो कि मेरा सेकंड पैरामीटर है। मेरा ये पैरामीटर मुझे पास करना है, और सबसे पहला यहाँ पर मुझे जो है अपने कॉलबैक्स देने पड़ेंगे। सो यहाँ पर डॉलर दिस, पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट कंट्रोलर हो गया। डॉलर दिस यहाँ पर मेरा मेथड हो गया, और इसको भी अगर आप पैरामीटर्स में पास करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। सो अगर ये होम डॉट पी एच पी का बी कॉल हो गया तो क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर हेलो फ्रॉम बी लिखा हुआ आ जाना चाहिए स्क्रीन पर। यदि स्क्रीन पर यदि हेलो फ्रॉम बी लिखा हुआ आ गया, मतलब सक्सेसफुली मैंने इस क्लास के इस मेथड को कॉल कर दिया, आ गया हेलो फ्रॉम बी आ गया। क्योंकि होम कंट्रोलर के अंदर बी नाम की मेथड थी और उस मेथड को सक्सेसफुली मैंने चेक किया और बाद में लास्ट लास्ट में उसको कॉल कर दिया। कॉलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हेलो फ्रॉम इंडेक्स सेव किया और आउटपुट देखा। अगर मैंने यहां पर होम स्लैश बी की जगह मैं डी लिख दूं, होम स्लैश डी स्लैश सी, सो होम मेरा क्या है, कंट्रोलर है जो कि अवेलेबल है। डी जो है मेरा मेथड है जो कि उस कंट्रोलर के अंदर नहीं है, और सी जो है मेरा पैरामीटर्स हो जाएंगे। तो अब देखना क्या होता है, हेलो फ्रॉम इंडेक्स, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ही कौन सी मेथड कॉल हो गई, इंडेक्स मेथड कॉल हो गई। और यही हमें चाहिए कि यदि पर्टिकुलर कोई मेथड अवेलेबल नहीं, अगर यूजर किसी ऐसी मेथड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि उस कंट्रोलर के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी मेथड कॉल करनी है, इंडेक्स कॉल करनी है, जो कि यही हो रहा है यहाँ पर कि होम स्लैश डी। अब डी नाम की कोई मेथड थी नहीं, इसलिए उसने क्या कर दिया, आपकी
इंडेक्स को कॉल कर दिया। सो इस प्रकार से ये एमवीसी फ्रेमवर्क वर्क करता है। और मैं इसमें अगर आपको नेट कनेक्ट करके बताऊं, आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया और ये फ्लिपकार्ट ओपन हो गया। अब यहां पर ये आपका बेस यूआरएल है, इसके बाद आप जो कुछ भी लिखोगे स्लैश के बाद, तो यहां पर आप देखना, जैसे कि मैं जाता हूं यहां पर मेरे ऑर्डर्स में जाता हूं। सो देखिएगा अकाउंट, तो अकाउंट क्या है, कंट्रोलर है, ऑर्डर्स मेथड है, और उसके बाद जो कुछ भी आएगा उसके पैरामीटर से। फिर से आगे बढ़ते हैं, विशलिस्ट, विशलिस्ट मेरा कंट्रोलर है, मगर उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट विशलिस्ट कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स मेथड होगी वो कॉल होगी, और उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए पैरामीटर्स है। अगेन मैं आपको बताता हूं, नोटिफिकेशंस, ये देखिए नोटिफिकेशंस मेरा क्या होगा, कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर नोटिफिकेशंस डॉट पीएचपी नाम की फाइल होगी, और उसके अंदर इंडेक्स नाम की फाइल होगी, और उस इंडेक्स वाली फाइल पर ये पैरामीटर पास कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो ये हम इसको आगे देखेंगे डेफिनेटली। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही है, और मैं इस फ्रेमवर्क का जो भी अभी बना हुआ है उस फ्रेमवर्क का आज जिप बना देता हूं। सो आज जो है इसका फोर्थ वीडियो है। सो उसका जिप बनाया और हाईली कंप्रेस मैंने किया ये।